हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स विच इज लाइकली टू बिकम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी कंसिडर एंड वेरी केयरफुल अबाउट दीज एंटोनिम्स। The antonyms chapter will be divided into two parts, and you can say that it can be divided into two videos. My first video is from antonym from letter A to letter F. So आइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों तक चैनल को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, आपका भी सपना है अच्छे नंबर से पास होने का, तो ये एंटोनिम्स आप ज़रूर याद करके जाइएगा, 4 से 5 बार सुन लीजिएगा। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार माइंड में आपके रिपीट होगा। पहला शब्द है एभर। एभर मीन्स होता है घृणा करना। इसका अपोजिट होगा लाइक या लव। एबिलिटी मीन्स योग्यता। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता। देखो दोस्तों, एबिलिटी और इनएबिलिटी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप इन लगा के अपोजिट बना देते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप डिस लगा के अपोजिट बना, जैसे लाइक का डिसलाइक है ना। तो ये आपको अपने मन में भी ये भी एक ध्यान रखना है। जिसका एंटोनिम्स ना बने पेपर में तो उसमें आप इन लगा के देख लीजिएगा, डिस लगा के देख लीजिएगा और एक लेस लगा के देख लीजिएगा। जहाँ पे फुल लगा हो वहाँ, जैसे केयरफुल, इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, केयरलेस। समझ गए आप। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें 2-3 वर्ड यूज करके हम एंटोनिम्स बना लेते हैं, विलोम शब्द बना लेते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, एबव, एबव का बिलो, और कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। अब्सेंस का एक तो इन अब्सेंस होता है इन लगा के, और एक रीजनेबल होता है ना। एक्सेप्ट का डिनाई होता है। एडमिट का रिफ्यूज। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। एग्री का डिसएग्री। देखिए डिस आया ना एग्री के बाद। अलाइव का डेड। एम्पल मीन्स पर्याप्त। और यहाँ पर है मेजर। अराइव का डिपार्ट। असेंट का डिसेंट। अटैक का डिफेंस। ऑफुल का ब्यूटीफुल। अवेयर का अनअवेयर। बैरन का फर्टाइल। आपके लिए देखिए ये टाइप किया है मैंने, जिसमें आपको हिंदी भी प्रोवाइड हुई है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप समझ सकते हैं टाइपिंग में कितनी मेहनत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक हो, और उसे अच्छे से सुधार के याद कर लीजिएगा। तो बैरन का फर्टाइल ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, है ना। आप अगर कंफ्यूज हो कि सब याद करने हैं तो आपके लिए मैंने छाट के पिकआउट करके इंपॉर्टेंट बनाए हैं। बारबरी का सिविल। बिगिन का एंड। बेनिफिट का लॉस। ब्लेम का प्रेज। बोल्ड का टिमिड। ब्लंट का शार्प। ब्राइट का डल। ब्रॉड का नैरो। अबून का कर्स। बेटर का वर्स। बिलीव का डिसबिलीव। ब्यूटीफुल का अगली। बिजी का आइडल। आइडल मीन्स होता है आलसी। बिजी का आइडल। आइडल मीन्स आदर्श होता है ना। और केयर यहाँ पे, लेकिन आइडल मीन्स आलसी है और बिजी का व्यस्त। केयर का नेग्लेक्ट। सर्टेन का अनसर्टेन। चेयरफुल का ग्लूमी। क्लोज का फॉर। कंसील का रिवील। कन्फेस का डिनाई। क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन। डार्कनेस का लाइट। डेड का अलाइव। डेटर का क्रिएटर। डिफीट का विक्ट्री। डिफेंस का ऑफेंस। डेफिशिट का सरप्लस। डेफिशिट मीन्स कमी और सरप्लस मीन्स अधिकता। डिनाई का एक्सेप्ट। डिपॉजिट का विड्रॉ। डिफिकल्ट का इजी। डेलीजेंट का आइडल। डिस्क्लोज क्लोज। डिस्ट्रेस 2009 में आया, 2011 में, 2015 में, 2014 में भी आया है, बहुत बार आया डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस याद कर लीजिएगा। डिस्ट्रेस का कंफर्ट। डोमेस्टिक का वाइल्ड। डल का ब्राइट। ड्वार्फ का जाइंट। डायनेमिक का स्टैटिक। इकोनॉमिकल का एक्स्ट्रावेगेंट। इंकरेज का डिसकरेज।
एलिजिबल बी एल ई होगा एलिजिबल का इन एलिजिबल, तो आपसे मैंने कहा ना इन लगा के बनाते हैं हम, डिस लगा के बनाते हैं एंटोनिम कुछ वर्ड में, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगी। अर्ली का लेट, एंडलेस का फाइनाइट, और इन्जॉयमेंट का सफरिंग, एम्प्टी का फुल, एक्सटेंड का लिमिट, फैसिलिटी का डिफ़िकल्टी, फेट का ब्लूम, फेथफुल का ट्रेचरी, फेमस का नोटोरियस, फाइन का कोर्स, फाइन का रिवार्ड भी होता है, फ्लेक्सिबल का रिजिड, फुलिस का वाइज, फॉरेन का नेटिव, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट। देखिए अन लगा के भी एंटोनिम बनाते हैं यूएन, है ना। फॉर्चून का मिस फॉर्चून, मिस लगा के भी एंटोनिम बनाते हैं। तो चार वर्ड आपको मैंने बता दिए, अन, मिस, इन और लेस, ये चार वर्ड अगर आप आगे पीछे लगा के एंटोनिम बनाते हैं बहुत सारे वर्ड में बन जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा अन, मिस और इन और लेस। फ्रैंक का रिजर्व्ड, फ्रेश का स्टेल। तो दोस्तों ये समाप्त हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ए से एफ तक का एंटोनिम्स आज हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफ के बाद जेड तक वेरी इंपॉर्टेंट सीखेंगे, तो आपको ये याद करके ही जाना है पेपर में। 90% चांस है कि मेरे वीडियो से आपको पेपर में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो जय हिंद, आपके माता पिता को जय हिंद, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी टीचर डे, आज टीचर डे है, आज की टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।